देख सकते हैं आप पूरा पानी ही पानी दिख रहा है चारों तरफ, पूरा पानी ही पानी। देखिए बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से पूरा पानी जमा हो चुका है। वहाँ पर देख सकते हैं पानी किस तरीके से निकल रहा है, एकदम पूरा झाग मार रहा है। दोस्तों ये देखिए कैसा पानी है पूरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज चुका है और अभी हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं घूमने। आज जा रहे हैं अमवार बांध घूमने और दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में हैं और हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, अशोक भाई हैं, रमेश भाई हैं और धीरेन्द्र भाई हैं। तो अभी सब लोग जा रहे हैं हम लोग अमवार डैम घूमने। तो अभी हम लोग जस्ट अभी कॉलोनी में खड़े हुए हैं। ये अमवार बांध का ये नया वाला कॉलोनी है, आप देख सकते हैं पूरा ये जो बसे हुए हैं सब ये डूब क्षेत्र वाले लोग हैं, सब अपना अपना घर बना के बसे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे पानी भर गया है, पूरा डैम का पानी गांव में भर रहा है ना, तो सब वहाँ से प्लान कर चुके हैं। तो देर न करते हुए भी सीधा चलते हैं डैम के पास और हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो चलते हैं डैम के पास, वहाँ का दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को क्या नज़ारा है और कैसे कैसे क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को सीधा डैम के पास। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं अमवार डैम के पास, एकदम बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख लीजिए यहाँ से देखिए पानी निकल रहा है पूरा और वहाँ पे देख लीजिए वो जो डैम का जो 13 फाटक है वो पूरा 13 का 13 खुला हुआ है, सब पूरा ओपन है और देखिए पूरा पानी कैसे निकल रहा है। मैं आपको भी जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए पूरा पानी निकल रहा है, ये देख सकते हैं कितना पानी निकल रहा है। 13 का 13 पूरा फाटक खुला हुआ है, 13 फाटक है, पूरा ओपन है। तो देखिए पानी निकल रहा है पूरा और पानी देखिएगा कैसे जा रहा है, पूरा झाज मारते एकदम पूरा झाज मार रहा है, लाल लाल पानी देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी आनंद आ रहा है देखने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी बादल बादल पूरा मौसम किया हुआ है, उस साइड देखिए मंदिर है पंचमुखी का और अभी हम लोग चलते हैं ऊपर वहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लोग दूसरी साइड आ गए हैं, अभी चलने वाले हैं ऊपर और यहाँ पे हम लोग देखिए गाड़ी पार्क कर दी है, यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। अभी चलेंगे सीधे यहाँ से ऊपर और वहाँ से आपको ऊपर का दृश्य दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं अमवार बांध के ऊपर और अभी दिखाते हैं आप लोग, देख लीजिए पूरा पानी कैसे भरा हुआ है, ये देख लीजिए पूरा पानी लबालब है और बारिश हुआ था ना 2 दिन पहले तो उसका पानी था जमा हुआ है। वो देखिए अमवार बांध है, अभी उसका 10% काम बाकी है तो अभी वो काम चल ही रहा है उसका। और इस साइड देखिए कुछ वर्कर हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं शायद, और देखिए पानी पूरा जमा हुआ है और वो देखिए पेड़ आपको दिख रहा होगा डूब सा गया है, आधा डूबा है आधा बाहर है और पूरा देखिए गाँव पूरा डूब गया है, आपको नज़र जहाँ तक जाता होगा दिख रहा होगा आपको पूरा डूब सा गया है, उस साइड पूरा मार कर दिया है, पूरा पानी ही पानी है क्योंकि इसमें 2 नदियाँ मिलती हैं, एक पागन का एक कन्हर का, कन्हर नदी है एक पागन नदी है, दोनों का जब इसमें ज्वाइंट होते हैं तो इसका पानी का तो उछाल मारेगा ही, इसीलिए इतना पानी है। देख सकते हैं आप पूरा पानी ही पानी दिख रहा है चारों तरफ, पूरा पानी ही पानी। वो देखिए बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे तो पूरा पानी जमा हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और वहाँ पर देखिए पानी हमारे पास जस्ट सामने है। तभी चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आप लोगों को, नीचे ये देखिए ये ब्लॉक बना हुआ है, इसी पे चढ़ चढ़ के नीचे जा रहे हैं अभी। और देखिए पूरा बड़ा बड़ा बोल्डर है इस साइड, इसी से पूरा ये पिचिंग का काम हो रहा है, जैसे ये हुआ है ना आप देख सकते हैं पूरा समतल बराबर, इसी तरीके से अभी इसमें भी काम चल रहा है लेकिन यहाँ से वहाँ तक हम देख रहे हैं 150 मीटर होगा और 150 मीटर में अभी ये पूरा आधा तक, देखिए आधा तक पूरा काम पिचिंग हो चुका है, पिचिंग वाला ये वाला, और ये देखिए अभी ये लग ही रहा है पूरा ब्लॉक इस तरीके से, एक एक पत्थर बैठा बैठा के पिचिंग किया जाता है, आप देख सकते हैं पूरा ये पिचिंग हुआ है ऐसे ही, एक एक बोल्डर ले लेके, एक एक बोल्डर निकाल निकाल के इसमें अच्छे से सेट किया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा पिचिंग हुआ है, सर देखिए पूरा पिचिंग हो चुका है। तभी चलते हैं नीचे, दिखाते हैं पहले उसका पानी का, देखते हैं पानी छुए कैसा है,
काफी डर सा लग रहा है, स्कैरी स्कैरी माहौल है, लेकिन फिर भी चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत ही डेंजर जोन है ये, देखिए यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है, शायद पानी का स्तर नापने वाला कुछ निशान है, आप देख सकते हैं पानी पुनः यहाँ तक आ गया है, और वहाँ पे एक निशान लगा हुआ है रेड कलर का, किसी चीज़ का सिंबल होगा मुझे नहीं पता, पर जो भी है आप देख सकते हैं मैं पानी के पूरा ही करीब आ चुका हूँ, तो ये देख लीजिए पूरा करीब आ चुका हूँ, और देखिए पूरा पानी ही पानी टच कर रहा है, इधर भाई साहब दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरे पास, ये देखिए किस तरीके से पानी मतलब ऐसे चढ़ रहा है धीरे धीरे ऊपर, देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये, आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से हचका मार रहा है, मतलब पुश कर रहा है इधर डैम की ओर, देखिए ये देख सकते हैं, दोस्तों ये देखिए कैसा पानी है, पूरा लाल लाल नहीं बोल सकती इसको, पीला पीला पानी है, ये देख लीजिए, और ये पानी काफ़ी मोटा लग रहा है हमको, ये लगता है मिट्टी वाला पानी है ना इसलिए मोटा लग रहा है, देख सकते हैं आप पानी, वाह पूरा पानी ही पानी दिख रहा है, पूरा जलस्तर, और देखिए पानी कैसे ये कर रहा है, आगे पीछे पानी कर रहा है, पूरा हिचकोले मार रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा पानी ये पानी है, और अभी हम लोग यहाँ पे फोटो वगैरह शूट कर रहे थे, और इस साइड देखिए पानी पूरा है, तो अभी चलते हैं ऊपर, क्योंकि सारे दोस्त हमारे ऊपर चले गए हैं, अभी चल रहे हैं ऊपर, हम लोग चढ़ते हैं फिर अभी चलेंगे सीधा घर, देखिए अभी हमको इतना ऊपर जाना है, और वहाँ से देखने से ऊपर से देखने से लगता नहीं है कि ये इतना दूर होगा, लेकिन हमको इसका ऊंचाई का मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना ऊंचाई होगा, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी दूर में है। तो दोस्तों अभी हम लोग अमवार डैम घूम लिए हैं, अभी चलते हैं नीचे, हम लोग देखिए अभी वहाँ ऊपर थे, वहाँ से हम लोग गए थे देखने नीचे, पानी का स्तर भी देखे डैम भी देखे, काफ़ी पानी भरा हुआ है, तो फिलहाल चलते हैं नीचे और यहाँ से भी डायरेक्ट जाएंगे घर। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं एंड, आई होप कि आज का छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।